डॉक्टर साइमन थॉमस हूँ, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद होने वाली एक जटिल कॉम्प्लिकेशन के बारे में जिसको हम हिप डिसलोकेशन कहते हैं। इसका मतलब जो हिप हमने आपका रिप्लेस किया हुआ है, अगर वो अपनी सॉकेट से इस तरह बाहर निकल जाए तो क्या किया जाए। आमतौर पर ये एक बहुत कम होने वाली प्रॉब्लम है, कुछ पेशेंट्स को ये दिक्कत होती है। सबसे पहली बात, आपको पता कैसे चलेगा कि हिप डिसलोकेट हो गया है? जो हिप जॉइंट बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, जिसपे आप मूवमेंट कर रहे थे, वो एकदम से पैर लोड लेना बंद हो जाता है, आपको चलने में दिक्कत होती है, आप खड़े नहीं हो पाते, तो ये हिप डिसलोकेशन हो सकता है। आमतौर पर जिनकी सर्जरीज अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, 10 साल के अंदर हुई हैं, उनको ये प्रॉब्लम यूजुअली हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस ऑपरेशन के तुरंत बाद ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम प्राइमरी सर्जरी से दूर होता जाता है, तब तब आपका हिप डिसलोकेशन का चांस कम होता है, क्योंकि जब हिप जॉइंट नया डला होता है, उसके आसपास की मांसपेशियां जो होती हैं वो थोड़ी रॉ होती हैं और उनमें अभी हीलिंग नहीं आई होती है। वंस वो हीलिंग आ जाती है तो हिप फिर अपनी पोजिशन से नहीं हिलता। तो अब आपको करना क्या है? अपने डॉक्टर से डिसलोकेशन के बारे में ज़रूर बात करें ऑपरेशन से पहले। उसमें वो आपको दो चीज़ें बताएंगे। ऑपरेशन से पहले कुछ ऐसे इम्प्लांट्स हैं जिनको हम ड्यूअल मोबिलिटी इम्प्लांट्स बोलते हैं, उनको डाल सकते हैं, जिससे हिप डिसलोकेशन के चांस कम होते हैं। ऑब्वियट पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम होने के चांसेस बिल्कुल हैं। इसके नफा नुकसान भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सेकेंडली, ऑपरेशन के बाद क्या एक्टिविटीज़ आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करनी है, क्या लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना है परमानेंट टाइम के लिए और टेम्परेली, ये चीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। आज की मॉडर्न हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज में पेशेंट्स ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, लेकिन कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ जैसे बिल्कुल ज़मीन पर बैठना, स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठना, आलती पालती मारना यानी कि क्रॉस लेग बैठना, ये सब चीज़ें आपको कम करनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। जब आपके पहले 3-4-5-6 महीने निकल जाते हैं, फिर आपके हिप डिसलोकेशन के चांसेस कम होते जाते हैं। उसके बाद आपकी, मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 डेकेड्स लाइफ अच्छी चलनी चाहिए। उसके बाद जब ये हिप थोड़ा बहुत कुछ लोगों का घिसता है, यानी कि 15-20 साल में, तब भी कुछ पेशेंट्स को डिसलोकेशन की शिकायत वापस आती है। ऐसे केसेस में जब डिसलोकेशन होता है तो अपने डॉक्टर से दोबारा मिलें। Thank you for your patient hearing.